देवास जिले के वीर सपूत शहीद जितेंद्र सिंह जलोदिया को शुक्रवार को उनके गृहधाम दतुरिया में राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में हर किसी की आंख नम थी। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जांबाज की अंतिम विदाई में गांव का हर एक व्यक्ति मौजूद था। हर किसी की आंख में आंसू थे। तिरंगे से लिपटा शहीद का शरीर था। शहीद की विधवा को अपने पति की शहादत पर गर्व तो था, लेकिन दुख इतना था कि खुद को संभाला नहीं जा रहा था। शहीद की अंतिम यात्रा में तोपों की सलामी दी गई। इस अवसर पर प्रदेश के लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने शहीद श्री जितेंद्र सिंह जलोदिया को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री मनीष चौधरी, श्री शौकत हुसैन, कलेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पांडे, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी ने भी श्रद्धांजलि दी। शहीद की इस अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में मार्ग के दोनों ओर खड़े ग्रामीणों ने दिवंगत शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद जितेंद्र सिंह जलोदिया की पार्थिव देह जिस रास्ते से गुजरी, रास्ते में लोगों ने भारत माता की जय, शहीद जितेंद्र सिंह जलोदिया अमर रहे के नारे लगाए। एशिया नेट न्यूज हिंदी की रिपोर्ट।